नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन ने देखा होगा, अपन ने दो क्लासें कंप्लीट कर ली ज्योमेट्री की। उसी क्लास को मैं आगे बढ़ाऊंगा। कुछ क्वेश्चन रह गए थे, वो क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखो आप। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, यदि ए बी समांतर सी डी हो तथा एंगल ओ ए बी बराबर 110 डिग्री तथा एंगल ए ओ सी बराबर 30 डिग्री हो तो एंगल ओ सी डी बराबर क्या होगा। डायग्राम दिया हुआ है तो क्वेश्चन को देखते हैं। देखो आप, ए बी समांतर सी डी है, ये समांतर है। ओ ए बी कितना दिया हुआ है, 110 डिग्री। ओ ये कौन सा है एंगल, ए ओ सी ये दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री देखना है। अब देखो आप, मैं क्या करता हूँ, इस सी डी लाइन को मैं पीछे बढ़ाता हूँ। जैसे कि सी डी को ऐसे पीछे बढ़ा लिया मैंने, तो ये अभी भी तो समांतर ही है, इसके ए बी के समांतर ये भी तो है, इसको आगे बढ़ा लिया मैंने। तो एक बात बताओ मेरे को, जैसे कि मैं बोलूँ कि दो समांतर रेखाएँ हैं, ये तिरेक रेखा है, अगर मैं बोल दूँ ये एंगल मेरा 110 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 110 डिग्री तो होगा। क्यों होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। तो मुझे बताओ ये 110 डिग्री तो ये कितना होगा, 110 डिग्री। अब देखो आप, ये ट्रायंगल का निर्माण हो गया, 110 डिग्री ये एंगल है, 30 डिग्री मेरा ये एंगल है, तो ये कितना बचेगा। देखो 110 प्लस का 30, 140 ट्रायंगल का टोटल एंगल का मान कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो 110 प्लस 30, 140 कितना बचा, 40 डिग्री, 40 डिग्री बचा। तो मुझे बताओ ये इस लाइन पे रैखिक युग्म में कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री। अगर ये एंगल 40 है तो कितना बचा, ये 140 डिग्री। और यही मेरा आंसर है, यही पूछा गया है। तो कितना आंसर आया मेरा, 140 डिग्री, ये मेरा आंसर है। समझ में आया, एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्या बोल रखा है, ओ ए बी दे रखा है 110 डिग्री, ए ओ सी दे रखा है 30 डिग्री। तो अपन ने क्या किया, इस सी डी लाइन को पीछे बढ़ा लिया मैंने, तो ये इसके समांतर है, समांतर है। तो मुझे बता 110 डिग्री एंगल है ये, तो ये कितना होगा, 110 होगा। क्यों, संगत कोण है, नीचे वाला देखो दाएं साइड नीचे है, तो नीचे 110 110 बराबर होंगे। ये 110 है तो ये ट्राइंगल का निर्माण हो गया, तो 110 प्लस 30, 140 बचा कितना, 40, टोटल 180 हो गया। ये 40 है तो ये एक लाइन है, एक लाइन है, तो ये एंगल अगर 40 डिग्री है तो ये कितना बचा, 140 डिग्री। यही तो मेरा आंसर है, ये तो पूछा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो आप, क्या क्वेश्चन है, ढंग से पढ़ लेना एक बार। ए बी समांतर सी डी तथा एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है, यदि एंगल ए एक्स वाई बराबर 70 डिग्री तथा एंगल एक्स जेड डी बराबर 120 डिग्री हो तो एंगल वाई एक्स जेड बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो देखो आप, सीधा देखो, सिंपल क्वेश्चन है, देखना। अगर मुझे पता ये समांतर है, ये इसके समांतर है, तो मुझे मैंने कल पढ़ाया था आपको कि अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। देखो आप, ये जेड बन रहा है, ये वाला, ये देखो ये जेड बन रहा है, ये 70 है तो कितना होगा, 70 डिग्री, ये 70 डिग्री होगा। अगर ये 120 डिग्री, ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा। बचा कितना, ये 70 और 60 कितने हो गए, 130, ये कितना बचा, 50 डिग्री। एक्स से तो पूछा है, ये निकालने की अपन को जरूरत ही नहीं है। क्या पूछा है, एंगल वाई एक्स जेड, वाई एक्स जेड ये तो पूछा है, ये कितना हो, 50 डिग्री, सीधा आंसर। अगर ये पूछा होता ये कितना होगा, फिर ये 60 डिग्री, टोटल कितना होना चाहिए, 180 हो रहा है क्या, 7 5 12 6 18 180 हो रहा है, बन गया। तो ये आपका आंसर आ गया, समझ में आया। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, दो समांतर रेखाएँ हैं, तो ये एंगल अगर 70 है तो ये कितना होगा, 70 होगा। क्यों, एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये 70 आ गया तो ये कितना, 120 है, ये टोटल 180 होना चाहिए, ये 120 कितना बचा, 60, तो 60 और 70 130, तो बचा कितना, ये 50, यही मेरा आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन। जैसे कि ए बी सी डी ये रेखा है,
ABCD ये एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है। देखना ये दे रखा है, ये एंगल दे रखा है 2x प्लस का 15 डिग्री, और ये एंगल दे रखा है 40 डिग्री, और ये एंगल दे रखा है 35 डिग्री। ये क्वेश्चन आपका, तो इसमें x का मान पूछा है। क्वेश्चन क्या है, AB समांतर CD के है, ये एंगल दे रखा है 2x प्लस का 15, ये एंगल है 40 डिग्री, और ये है 35 डिग्री। अपन को x का मान पूछा है, तो इस क्वेश्चन को सरल करने से पहले देखेंगे अपन, दो समांतर रेखाएं हैं, कौन सी, ए बी और सी डी, ये है। अब देखना, मैंने क्या बोला था, ऐसा क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, एक और समांतर रेखा खींच देंगे, ये समांतर रेखाएं, अगर ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो इनको बीचों बीच एक समांतर रेखा मैंने खींच दी। अगर ये एंगल कितना दे रखा है, 40 डिग्री दे रखा है, तो ये कितना होगा, 40 डिग्री होगा। तो बताओ, अगर ये 35 डिग्री दे रखा है तो ये भी कितना होगा, 35 डिग्री। क्यों होगा, एकांतर कोण, अरे एकांतर कोण है तो है ये इसके समांतर होगी, तो ये 35, ये 35 ही होगा, ये 40, ये 40 ही होगा। तो टोटल एंगल कितना हुआ, ये 40 और 30 है, 30 कितने हो गए, 75 डिग्री। टोटल कितना हुआ, 75 डिग्री, कितना हुआ, 75 डिग्री, ये हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, इसका मान कितना दे रखा है, ये है, और यहाँ वैल्यू कितने है, 75 डिग्री। तो 2x प्लस का 15 डिग्री बराबर कितना आया, 75। यहाँ से 2x की वैल्यू निकालूँ तो कितना आएगा, कितना आएगा, ये 60 डिग्री, मतलब 75 माइनस का 15 कितना आएगा, 60। 2x बराबर 60, तो x बराबर कितना आएगा, 30 डिग्री, और यही मेरा आंसर है, ठीक है, समझ में आया। इसको रिपीट करके देख लेना एक बार, अपन आगे बढ़ते हैं। ट्राइंगल देखते हैं, ट्राइंगल, त्रिभुज, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजा होनी चाहिए और बंद आकृति होनी चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। देखो, अपन को पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। होता कैसे वो भी देख लेते हैं आज। जैसे मैं ट्राइंगल बनाऊं, ये ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी, देखो आप, ए बी सी एक त्रिभुज है मेरे पास, ट्राइंगल है। मैं क्या करता हूँ, इस बी सी के समांतर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक लाइन खींचता हूँ, एक रेखा खींचता हूँ, ये से, ये क्या है, बी सी के समांतर है, ये बी सी के समांतर है, ये बी सी के समांतर है, बी सी समांतर ये लाइन है। अब देखना, मुझे बताओ, अगर एंगल ए बी है, ये एंगल मेरा बी है, ये एंगल मेरा सी है, ये एंगल मेरा ए है, एंगल बी है, देखो इसको अगर मैं पीछे ऐसे बढ़ा लूँ, ऐसे देखना एक बार, मुझे बताओ दो समांतर रेखाएं हैं तो क्या जेड बन रहा है, क्या जेड बन रहा है क्या, ऐसा ये जेड तो है, जेड दे, तो एकांतर कोण बनेगा, एकांतर कोण बढ़ेगा। तो अगर ये एंगल बी है, ये एंगल बी है, तो ये कितना होगा, बी होगा। अगर ये एंगल सी है तो देखो उल्टा जेड, तो एंगल कितना होगा, सी होगा। मुझे बताओ, ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, और एक रेखा पर, एक रेखा पर टोटल कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। रेखीय युग्म कोण या सरल कोण बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं इसको। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है, 180 डिग्री। समझ में आए, इसलिए 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। आगे चलते हैं, मैं बात करूं बाह्य कोण की, एक्सटीरियर एंगल की बात करूं मैं, बाह्य कोण, बाह्य
कोण, एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा हूं मैं। देखो आप, ए बी सी, ए बी सी ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, इसका एंगल कितना है, इसकी ये एंगल ए है, ये एंगल कौन सा है बी है, ये एंगल सी है। त्रिभुज ए बी सी, एंगल ए बी सी, अगर मैं बाह्य कोण की बात करूं तो मैं बी सी को आगे बढ़ा लेता हूं, ये लो ये बढ़ा लिया मैंने आगे, ये वाला, ये वाला, तो ये वाला एंगल का मान कितना होगा, इस वाले एंगल का मान कितना होगा, तो इसका मान कितना होता है देखना, इस त्रिभुज के इंटीरियर एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी का सम एंगल सी के एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। खैने बोला मैंने क्या बोला, एंगल ए प्लस एंगल बी त्रिभुज का आंतरिक कोणों का योग, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कौन कौन सा, एंगल ए प्लस एंगल बी का सम एक्सटीरियर एंगल मतलब सी का बाह्य कोण ये है, इनके इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो ये कितना आएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी ये होता है। प्रूफ करने की बात करूं मैं तो देख लो आप एक बार, इधर देख लो, ये ए है, ये बी है, ये सी है। जैसे मैं मान लेता हूं ये कितना है 60 डिग्री है, ये मान लेता हूं मैं 40 डिग्री है, ये कितना होगा फिर 40 60 100 कितना होगा 80 डिग्री। तो मुझे बताइए, ये एक सरल रेखा है, ये सरल रेखा है, तो ये एंगल कितना बनेगा 100 डिग्री, तो बनेगा 100 डिग्री। क्या एंगल ए प्लस एंगल बी का सम 100 डिग्री है, 100 ही तो है, तो ये अपनी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये कंसेप्ट है, ये याद रखना, ये कंसेप्ट है, ठीक है, ये कंसेप्ट है, ठीक है। इसी प्रकार एक और देख लेते अपन, जैसे कि मैं बात करूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी सी मेरे पास एक ट्राइंगल है, मैं बी सी को आगे बढ़ाऊं, ये बढ़ा लिया, इसी प्रकार मैं ए सी को आगे बढ़ाऊं, ये बढ़ा लिया, इसी प्रकार मैं ए बी को आगे बढ़ाऊं, ये लो। तो मुझे बताओ, त्रिभुज ए बी सी, सी का बाह्य कोण का मान कितना होगा, सी का बाह्य कोण ये वाला एंगल कितना होगा, ये कितना होगा, एंगल ए प्लस बी, एंगल ए प्लस का एंगल बी ये होगा। इसी प्रकार ये कितना होगा, ये वाला, ये वाला इन दोनों के सम के बराबर होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी के। इसी प्रकार ये वाला, ये वाला एंगल ए प्लस एंगल सी के बराबर होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी के बराबर होगा। अब देखना, इनके योग की बात करूं मैं तो देखो आप, एंगल बी प्लस सी, एंगल ए प्लस बी, एंगल ए प्लस सी, तो देखो आप, ए यहाँ पे भी आ रहा है, ए यहाँ पे भी आ रहा है, तो दो ए हो गया, दो बी हो गया और दो सी हो गया, तो मतलब दो दो बार आ रहा है, तो क्या कर, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, दो एंगल ए प्लस का एंगल बी प्लस का एंगल सी, यही तो है, तो दो गुणा एंगल ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना होता है, अभी लिखवाया था मैंने 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री, तो टोटल कितना होगा 360 डिग्री। तो बाह्य कोण का योग की बात करूँ तो कितना आएगा 360 डिग्री। एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, मुझे ये बताओ कि ये वाला, टोटल बाह्य कोण का योग कितना होगा, ये क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन है, हल करो इसको, 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, चेक करना कितना आंसर आएगा। देखो आप, त्रिभुज ए बी सी है, बाह्य कोण ये वाला, टोटल अपन को सम ज्ञात करना है कितना आएगा, चेक करो, देखो मैं बताता हूँ क्या आएगा, अपन को पता है ट्रायंगल ए बी सी का योग कितना है, टोटल एंगल का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मुझे एक बात बताओ, अगर टोटल एंगल की बात करूँ पूरे की, कितना होता है, 360 होता है, 360 ये, 360 ये, 360 ये, टोटल 360 ये, तो कितना हो गया टोटल, 1080, 360, 360, 360, 1080 ये हो गया, माइनस का ये वाला हिस्सा, ये माइनस करना अपन को, कितना माइनस करना, ये कितना होता है, 180 होता है, तो अगर 180 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 900
डिग्री, ये मेरा आंसर है, ये आपका क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लेना ये, ठीक है। इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे चलते हैं, आगे एक कंसेप्ट बताता हूँ आपको, कैंची कंसेप्ट, कंसेप्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चन भी कराऊंगा। कैंची कंसेप्ट, कैंची ये कंसेप्ट है, देखो आपको कैंची बनाना सिखाता हूँ। कैंची बड़ा बना लेता हूँ, ये मेरी कैंची है, लग रही है कैंची सी, ये कैंची है। जैसे मैं बोल दूं, ये एंगल मेरा ए डिग्री है, ये एंगल बी डिग्री है, ये एंगल सी डिग्री है। मान लेता हूँ ये एंगल मेरा एक्स डिग्री है, इसका मान कितना होगा? देखो आप, वैसे तो चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटर है, एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का सम इसके बराबर होता है। x डिग्री का मान, x डिग्री, x बराबर कितना होगा? a डिग्री प्लस b डिग्री प्लस c डिग्री, इनके सम के बराबर x का मान होता है। कैसे प्रूफ करें अपन इसको? प्रूफ करने की बात करूं तो इधर देख लो आप, बड़ी निरा यहाँ देख लो, ये देखो आप, मुझे एक बात बताओ, ये एंगल ए डिग्री है, ये एंगल बी डिग्री है, ये एंगल सी डिग्री है, तो मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा फिर? अरे एंगल एक दो तीन चार कोने हैं ना, तो टोटल कितना होता? 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता? 360 ही तो होता है, 360 है, तो ये कितना होगा फिर? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो मैं 360 में माइनस कर दूंगा, तो 360 माइनस का कितना आएगा? एंगल ए प्लस का बी प्लस का सी, ये तो आएगा 360 में से माइनस कर दिया, माइनस ए, ए प्लस बी प्लस सी, ये एंगल मैंने घटा दिया, ये आएगा। अब देखना, अगर मुझे बताए टोटल ये कितना होता, टोटल पूरा का पूरा ये कितना होता? 360 होता है, टोटल 360 होता है, तो मुझे ये एंगल चाहिए। 360 में से मैं ये वाला एंगल घटा दूंगा, ये वाला एंगल आ जाएगा, तो माइनस का 360 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस ए प्लस बी प्लस का सी, ये तो आया, तो 360 से 360 कैंसिल, ये किसके बराबर? ये तो एक्स माना था मैंने, एक्स, तो एक्स बराबर क्या आया? ए प्लस का बी प्लस का सी, ये इसका प्रूफ हो गया। समझ में आया? कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करना, जैसे मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ एक, जैसे मैं बोल दूँ कि ये 40 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, और ये 120 डिग्री है, ये तो इसका मान पूछेगा कितना आएगा टोटल, तीनों को जोड़ दो ये आ जाएगा। तो 40 कितने, 120, 120 और 120 कितने हो? 240, तो 100 मान कितना आया? 240, ये मेरा आंसर डायरेक्ट, ये क्वेश्चन कर सकते हो आप, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, कंसेप्ट है, देख लेना इसको। एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, अच्छा जो एग्जाम में आया हुआ है, एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, जैसे देखना, ये 40 डिग्री है,
ये एंगल 110 डिग्री है, ये एंगल अल्फ़ा है और ये भी अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये बीटा है, ये एंगल थीटा है। तो इस थीटा का मान पूछा है, ये क्वेश्चन है, इस थीटा का मान पूछा है, थीटा का मान पूछा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखना इस पूरे, देखो इसकी बात करूँ, पूरे की बात कर रहा हूँ मैं एक बार। देखो आप, अगर ये एंगल 40 डिग्री है तो अल्फा अल्फा कितने हो गए, ये 2 अल्फा हो गया, ये कितना होगा 2 बीटा हो गया, अल्फा अल्फा 2 अल्फा हो गया, बीटा बीटा 2 बीटा हो गया, पूरे को लेके बात कर रहा हूँ मैं। तो देखो ये कितना है 110 डिग्री। अभी मैंने प्रॉपर्टी क्या पढ़ाई, इन तीनों का सम इसके बराबर होता है, तो सम करते हैं, 40 प्लस का 2 अल्फा प्लस का 2 बीटा बराबर कितना आएगा 110 डिग्री। 40 उधर जाके माइनस होगा तो 2 अल्फा प्लस का 2 बीटा बराबर कितना आएगा 70 डिग्री। यह आएगा अल्फ़ा प्लस का बीटा का मान यहाँ से कितना आएगा, दो भाग में जाएगा, कितना आएगा 35 डिग्री। यह आ गया, ये अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आया, अल्फ़ा प्लस बीटा का सम कितना आना चाहिए 35 डिग्री। अब देखना, अब मैं इसकी बात करता हूँ इस वाले की, यहाँ से देखो ये वाले की, इस वाले की बात कर रहा हूँ, इस वाले की। अब देखना ये एंगल कितना है, अल्फ़ा है, ये कितना है बीटा है, और ये कितना है 40 डिग्री, और ये कितना है थीटा है, ये तो है। अब मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा का सम कितना है 35 डिग्री, मतलब ये कितना है टोटल कितना है 35 डिग्री, तो 35 40 कितने हो गए 75 डिग्री, तो डायरेक्ट आंसर कितना आएगा 75 डिग्री, ये आपका आंसर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका क्वेश्चन का। आगे चलते हैं, एक प्रॉपर्टी देखना और, एक कंसेप्ट और है। क्या है, जैसे कि दो समांतर रेखाएं हैं, ये दो समांतर रेखाएं हैं। अगर मैं बोल दूं ये एंगल मेरा ए डिग्री है, ये एंगल मेरा बी डिग्री है, और ये एंगल एक्स डिग्री है। प्रॉपर्टी है, दो समांतर रेखाएं हैं जिसमें ये एंगल मेरा ए डिग्री है, ये एंगल मेरा बी डिग्री है, और ये एंगल एक्स डिग्री है। तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद रखना, क्या करोगे, बाएं तरफ देखो आप, बाएं तरफ ये वाले, ये वाले, ये वाला, इनका सम दाएं भाग के बराबर होता है। कैसे, एंगल ए, ए प्लस का बी का मान एक्स के बराबर होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। जैसे क्वेश्चन दे दूं मैं आपको, ये क्वेश्चन दे दूं मैं, जैसे मैं बोल दूं ये ए है, ए डिग्री है, ये बी डिग्री है, और ये 45 डिग्री है। क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ये एग्जाम का क्वेश्चन है ये। तो ए प्लस बी का मान कितना हुआ, डायरेक्ट कितना आएगा सीधा 45, डायरेक्ट आंसर। आप सीधी सी प्रॉपर्टी याद रखना, छोटी सी प्रॉपर्टी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे इसी लेक्चर को अपन आगे बढ़ाएंगे, और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों।